मुझे किसी और लड़की के साथ खुश देखकर जेलस हो? रजत, तू कह रहा था कि ये रॉन्ग डायरेक्शन है, फिर उसी डायरेक्शन में चल पड़ा। एक बार मुड़ के देख लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पीछे चलने लग गया। मैं करिश्मा के लिए श्योर हूं। इनफैक्ट अभी भी मैं उसी से फोन पर बात कर रहा था, पर अनु टेरेस पे आ गई तो मैं बस तो नीचे चला आता। बात करने की क्या जरूरत थी? पहले क्या इन लड़कियों ने कम रफड़े डाले हमारी जिंदगी में? जो मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स इन्होंने डाले या फिर किसी और ने। और मॉम, अब प्लीज मेरी ज्यादा टेंशन मत लो, आदत नहीं रही है। तेरे डैड बहुत कंफ्यूज हैं इस रिश्ते को लेकर, लेकिन मैं बहुत खुश हूं। मुझे लगता है ये लड़की तेरे लिए परफेक्ट मैच है। आपको तो ये भी लगा था कि दिव्यानी मेरे लिए परफेक्ट मैच है। एनीवेज, नीचे चलते हैं और डैड की कंफ्यूजन दूर करते हैं। मेरे लिए डैड की राय बहुत मैटर करती है। वो ना बहुत जरूरी बात करनी थी, प्लीज सुन लो। वो रजत ना आज बहुत दिनों बाद बहुत खुश लग रहा है वो करिश्मा के साथ, और वो कह रहा था कि वो श्योर भी है, तो क्यों ना हम पांडे से जाके फॉर्मली बात कर लें। रजत की चिंता करने के लिए उसका बाप अभी जिंदा है, और ये आर्टिफिशियल प्यार दिखाने का बहुत दिल कर रहा ना, तो अपनी बहन के घर चली जा। मुझे किसी और लड़की के साथ खुश देखकर तुम जेलस हो? पहला प्यार, पहली गर्लफ्रेंड, कल तक तो हमसे सगाई कर रहे थे ना, और आज आज किसी और से शादी करने को तैयार है? हमें क्या, हम तो घर पे है ना, काम कर रहे हैं, फोटो के प्रोजेक्ट्स अरेंज कर रहे हैं। अगर हम उनके बारे में सोच रहे होते या जेलस होते तो ये सारी शीट ऊपर नीचे हो जाती। हम तो ठीक ही है, इसका मतलब हम जेलस हैं। पर क्यों? क्योंकि रजत किसी और लड़की के साथ थे तो क्या हुआ?
हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्या? हम अभी भी रजत से प्यार करते हैं? पर वो तो किसी और लड़की से शादी करने को तैयार है, हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और जेलस, जेलस तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पर जेलस तो हो रहे हैं। देखा, मैंने कहा था ना मेरा प्लान काम करेगा। करिश्मा, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम्हारा प्लान और मेरा प्लान अलग हो। हनी बुबू, एयरफोर्स में रह रहे के आपके दिमाग में भी एयर भर गई है क्या? मेरा और क्या प्लान हो सकता है? जस्ट किडिंग यार, बट यू नो, अनु के चेहरे पर रिएक्शन तो आया था बट इंटेंसिटी बहुत कम थी। पर जब उसने मुझे तुम्हारे पीछे बाइक पे बैठे देखा था तो आई नोटिस शी वाज वेरी जेलस। I guess हम अगली बार एक्शन थोड़ा इंटेंस करेंगे, तभी हमें रिएक्शन भी इंटेंस मिलेगा। What's it? वो जेलसी बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगी और सीधा आके कहेगी that she loves you। अगली बार हमें नाटक थोड़ा और करना पड़ेगा, ओके? चलो, गुड नाइट ना, बाय। बाय। वो तो टाइम के साथ ही पता चलेगा फ्लाइंग मैन, कि क्या करना पड़ेगा। भाभी, उसे बाद में बताना, लेकिन मुझे अभी बताओ कि उसे क्या करना पड़ेगा। भाभी, अभी ना। करिश्मा, अपनी कैटेगरी वाले लोगों से ना झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब प्यार में दुखी आत्मा की तो हेल्प करे। इतनी बुरी ट्रेनिंग तो तुझे नहीं मिली। मुझे सच सच बता, तेरे खुराफाती दिमाग में क्या चल रहा बता। भाभी, तो बता दे। भाभी, वो ना देवयानी, चलो सो जाओ। और ये तुम क्या कर रही हो, इतनी रात को चॉकलेट खा रही हो? तुम ही कहती थी ना ये खराब होता है, इससे जल्दी मोटे हो जाते हैं। हाँ, पर वो तो तब की बात है ना जब हमें लगता था कि हम सुंदर हैं। हम अपनी सुंदरता को बचाने की कोशिश करते रहते थे, बट थैंक्स टू यू अब जब हमें पता चल गया है कि ऐसा कुछ है ही नहीं, तो क्या ही बचा है? पर देवयानी, ये प्लीज अनुष्का, जो बहन इस घर में हंसने का कारण थी, जिसे देख के लोग खूबसूरत बनने की चाह पलने लगते थे, वो आज चुप है। जो खूबसूरती उसके कॉन्फिडेंस की वजह थी, आज उसे उसी की परवाह नहीं। और हम यहाँ रजत के बारे में सोच रहे हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें तुम्हारी करिश्मा मुबारक हो रजत, हमें हमारी देवयानी चाहिए।
बता दे भाभी, वो ना किसी को बताओगी तो नहीं ना? देखो अगर बताने वाली बात होगी तो नहीं बताऊंगी, और नहीं बताने वाली बात होगी तो मैं झट से बता दूंगी। बताने वाली बात नहीं है पर फिर भी नहीं बताओगी? ठीक है नहीं बताऊंगी, पर बता तो सही क्या बात है। ये अनु रजत, इन शॉर्ट अनुराज का परफेक्ट कपल बनाने का मेरा कोई प्लान नहीं है। मुझे लगा पता नहीं तुझे क्या हो गया, पागल पागल तो नहीं हो गई या अच्छाई की बीमारी तो नहीं लग गई तुझे? ठीक है बाबा तू नॉर्मल है, पर रजत ज्यादा देर तक नॉर्मल नहीं रहेगा। कॉलेज में तुमने मेरा दिल तोड़ा था ना रजत, अब देखो मैं तुम्हारा ब्रेकअप कैसे कराती हूँ। करिश्मा सच सच बता कि ये ब्रेकअप तू अपनी आत्मा की शांति के लिए कर रही है कि तेरी कोई और भी चाहत है? है भाभी, फुल ऑन है। मैं रजत को वापस पाना चाहती हूँ। जब उसने मुझे तुम्हारे पीछे बाइक पे बैठे देखा था तो आई नोटिस शी वाज वेरी जेलस। प्यार करती हूँ मुझसे, ये कहने का हक भी तो बनता है ना, मुझसे इतनी मेहनत क्यों करवा रही है? कोई बात नहीं, जितनी मर्जी मेहनत करनी पड़े मैं करूंगा, तुम्हें मनवा कर ही छोड़ूंगा। क्या पता है जब उसने मेरा दिल तोड़ा था ना तो मुझे लगा कोई हॉट सी सेक्सी सी लड़की उसे पटाएगी, पर आई वाज सो रॉन्ग, वो तो उस भैंजी छाप पर मर मिटा। पता है उसने मुझे बोला कि उसने मुझे कभी प्यार ही नहीं किया था और मुझे लगता रहा कि वो मुझे प्यार करता है। करिश्मा मैं तुझे बताती हूँ, ये जो लड़के होते हैं ना एक नंबर के कमीने होते हैं, घूमने फिरने के लिए अपने फ्रेंड्स को दिखाने के लिए हाई फाई क्लासी हॉट एंड सेक्सी लड़की चाहिए होती है, और शादी के लिए ये भेंजी टाइप गवार लड़कियां ढूंढते हैं, ये अनु टाइप्स। पर रजत की किस्मत में तो एक ही लड़की है, वो हूं मैं, करिश्मा। पर कैसे? जिस प्यार से तुम दूर भाग रही हो उसी प्यार को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। किसके प्यार पे अटैक करने की प्लानिंग हो रही है फौजी? करिश्मा पे डैड, और किस पे? अनु की फोटो हाथ में लेके एक प्यार को छोड़कर दूसरे प्यार का दामन थाम लिया, वो भी इतनी जल्दी? ये तेरे खून में नहीं है बेटा, शराफत से बता सच्चाई क्या है। बताती हूँ पर आप किसी को बताओगी नहीं? नहीं बताऊंगी, किसी को नहीं बताऊंगी। जिस प्लान से शास्त्री सिस्टर्स को दुख पहुंचे वो प्लान मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगी। बस तू मुझे बता कि मैं इस प्लान में कुछ कर सकती हूँ, कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, मुझे बता। ठीक तो फिर कर ले करिश्मा से शादी, मैं अनु के लिए कोई और अच्छा सा लड़का ढूंढ लेता। डैड मुझसे अच्छा लड़का आपको कहां मिलेगा? ये सब मैं अनु के लिए ही कर रहा हूं, इनफैक्ट मैं और करिश्मा मिलकर उसे जेलस फील करा रहे हैं ताकि वो रियलाइज करे कि वो अभी भी मुझसे प्यार करती। ओए ये हुई ना सुरेंद्र सरीन के बेटे वाली बात, तो फिर मैं एक काम करता हूं, शादी की प्लानिंग हम उनके सामने करते। तूने ये सब पहले क्यों नहीं बताया? इसीलिए कि आप इतना एक्साइटेड ना हो जाए और सारा प्लान फेल ना हो जाए। राम कसम
मैं अपनी जी जान लगा दूंगी, तू बस मुझे बता क्या करना है मुझे। ओके, सो द फर्स्ट स्टेप इज हमारी फैमिली को इस रिश्ते के लिए कन्विंस करना। ओके, और ये प्लान हम शुरू करेंगे सुबह ब्रेकफास्ट टेबल से। और प्लान तो तेरी माँ का फेल होगा, उसे तो यही लग रहा होगा कि तू करिश्मा से शादी करने वाला है। उन्हें अभी लगने दो। अरे फौजी, बस ऑर्डर दे, असला लेके तेरा बाप तेरे पीछे खड़ा है। चुप बोले सोनेहाल। सत्रियाकाल। लग जा गले दे नाल। कल एक लड़का मेरे रिश्ते की बात करके गया और आप लोग आराम से बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे हो। आई मीन कम ऑन, अब आगे क्या करना है? बेटा, तुम्हारी पीढ़ी तेज गति से चलती है पर हम अभी भी सोचने समझने वाली गति से ही चलते हैं बेटा। माँ, अब इसमें क्या सोचना है? कल वो बेचारा इतना लंबा चौड़ा भाषण देके गया, अब आपको और क्या चाहिए कन्विंस होने के लिए? बेटा, बड़े बड़े शब्द तो सब लोग बोल देते हैं, फर्क कर्मों से पड़ता है। और जो भी हो, हम सब ये कैसे भूल सकते हैं कि कुछ ही दिनों पहले उसकी किसी और लड़की के साथ सगाई हो गई थी और अब वो किसी और लड़की के साथ सगाई करना चाहता है। किसी और से नहीं, करिश्मा, उसके पहले प्यार से। अब बेटा, तुम्हारी मामी जी बिल्कुल ठीक कह रही है। कुछ दिन पहले उस लड़की की सगाई हुई थी, अब वो सगाई क्यों टूटी, कब टूटी, इसका अभी तक कुछ पता नहीं चला है। और दूसरी सगाई करने के लिए वो आतुर हो गया है ना बेटा। ना कितने ही शब्द क्यों ना बोले, कितने ही भाषण क्यों ना दे, पर्याप्त नहीं है। बेटा, तुम्हारी माँ से फैसला करवाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, उनकी बात मान लो। देखो करिश्मा, हम ना नहीं कह रहे, बस हाँ कहने से पहले बस सोचने के लिए बोल रहे हैं। हाँ करिश्मा, आप अगर सबकी यही राय है तो फिर मान जाओ ना। जो लड़का हमारी बहन को भूल सकता है वो कल को तुम्हें भी। भाभी, मुझ में और आपकी बहन में बहुत फर्क है ना। और ये देखने के लिए ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत तो है नहीं ना, जस्ट लुक अप। अलका भाभी, प्लीज डोंट माइंड, पर मैंने आपकी सलाह नहीं मांगी ना। भाई, हमारे यहाँ तो कहते हैं कि शादी करने के लिए बस एक चीज जरूरी होती है, लड़का लड़की में प्यार। बाकी सारे मैथ्स तो बैठ ही जाते हैं ना। माँ, सब भूल जाओ, आप बस इतना बताइए आप हमें प्यार करते हैं कि नहीं। बेटा, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं पर। माँ, तो प्लीज रिश्ते के लिए मान जाओ ना, वरना आप ये साफ साफ कह दो कि आप हमें प्यार ही नहीं करते हैं। ये क्या सिद्ध है बेटा? दीदी, अब बच्चे अगर इतना कह रही है तो एक बार मिलने में कोई हर्ज नहीं है। वैसे मैं उस परिवार को जानता हूं, बड़े भले लोग हैं। प्लीज ना। ठीक है, चलते हैं। यू मेम पाछम की तम
क्या कर रहे हो यार, कितना सजोगे यार? एंजॉय करने दे। तो अभी जाके अनु को नीचे लेके आओ। हमेशा के लिए कि अभी के लिए? हमेशा के लिए लाना है ना, तो फिलहाल अभी के लिए लेकर आओ। करिश्मा की फैमिली यहाँ पर आ रही है रिश्ते की बात करने के लिए, एंड आई एम श्योर अनु ये सब नहीं देख पाएगी। आया 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 आया, मर गया। सरीन अंकल जी। आए मेरी कमर। सरीन आए, क्या हो गया? मेरी कमर में लग गई यार। उठो 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 उठो, आराम से आओ, आराम से आराम से आराम से डैड। अच्छा बैठा, इधर बैठा सोफे में, आराम से आराम से आराम से। आए आए मेरी कमर में बड़ी पीड़ हो रही है शास्त्री जी। आराम से मेरी कमर का दुश्मन बन गया। आए हो गया, क्या हो गया? कोई डॉक्टर को बुला। मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेके आती हूँ। दर्द ज्यादा हो रहा है? दर्द हो रही है। क्या हो गया सुबह सुबह? आराम से। बड़ी दर्द हो रही है। कोई डोंट वरी डैड, डोंट वरी। मेरी कमर। कुछ नहीं बेटा, मैं ऐसे ही फिसल गया था। मुझे अब लग रहा है कि मैं, हाँ, या मैं ठीक हूं। आप लोग खड़े क्यों हो जी? आके बैठो, आओ जी आओ। हरी भाई साहब, आप अचानक इतनी सुबह सुबह, कोई खास बात है जी? वो रजत और करिश्मा के रिश्ते की बात कर रहे हैं।